अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। आज हम आपको देखिए सलवार पर जेब कैसे लगाए वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए आप इस तरीके से अपना आपका जो सलवार का ऊपर का नेफा है उसे आप तैयार कर लीजिए। ये मेरा ये मेरा 20 इंच है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा 20 इंच है। देखिए ये मेरा 20 इंच है इसका। और आप अपना जिस तरीके से आपका पैंट का लंबाई है वो आप रख सकते हैं। और आपको दहना साइड जिस तरफ दहना होगा उस तरफ दे। देखिए दोस्तों मेरा ये दहना मेरा ये हम ये सब इसको तैयार कर लिए हैं। और देखिए इसमें हम नारा डालने के लिए वो सब हम इसको पहले से हम तैयार कर रखे थे। आप देखिए अब यहाँ से ये जो मेरा बीच का है एक हम यहाँ रुमाली लगाएंगे। तो यहाँ पर एक हम रुमाली लगाएंगे जो आपको दिख रहा है दोस्तों कि सफ़ेद कपड़ा में है, दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ से ये बीच से देखिए ये मेरा बीच है, यहाँ से हम 7 पर से ये मेरा बीच का है, यहाँ से हम रुमाली ज्वाइंट करेंगे। ये 7 इंच से कट कर देना है आप लोगों को। कट कर दिए, अब चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए मेरा जेब का कपड़ा है, जेब कपड़े को भी हम रेडी कर रखे हैं। ये मेरा 7 है इसका लंबाई, 7 इंच है इसका चौड़ाई। लंबाई इसका हम 11 इंच रखेंगे, इसे हम बाद में कट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जेब किस तरीके से आप लगाएंगे। देखिए यहाँ जो मेरा तो देखिए दोस्तों ये मेरा जहाँ देखिए दोस्तों मैंने नारा डाल रखे हैं वहीं से हम ये कपड़े को देखिए हम किस तरीके से बैठा लेंगे। ऊपर से ये नारा जिसमें लगाते हैं उसको यहाँ से इसमें सीधा सिलाई दोनों कपड़े को पकड़ के, ये एक जेब वाला है एक मेरा ये वाला है नीचे वाला, तरीके से आप इसको पूरे पे सीधा सिलाई लगा के इसको यूं इस तरीके से पलट के यहाँ पर मेरा 2 इंच जिसमें हम चुन्नट भरेंगे। ऊपर वाला कपड़ा है देख रहे हैं ये ऊपर वाला है, इसमें 2 इंच हम गैप छोड़ देंगे कि नीचे हम चुन्नट जो कपड़े में भरे तो वो दिक्कत नहीं हो। इस पर हम सीधी सिलाई देखिए दोस्तों इस पर हमने सीधी सिलाई लगा दिए हैं। यहाँ से सीधी सिलाई लगा के अब एक मुँह ये नेफा वाला में एक मुँह हमें हम ये ज्वाइंट कर दिए। अब ये मेरा जो दूसरा मुँह जिसको हम कट करे थे वो भी इसी तरीका से इस पर इसको यहाँ से पकड़ के इस पर देखिए इस तरीके से फिर इस पर सीधी सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने इस पर सिलाई मार दिए हैं। अब क्या करिएगा ये जो है जो हम सिलाई जिसमें हम ऊपर से सिलाई कर रखे हैं इस वाले को पकड़ के देख सकते हैं आप। देखिए ये वाले जो हम सी रखे हैं इसे यहाँ से पकड़ के आप इस पर ये दोनों को फिर इस तरीके से आप इस पर सेट कर दीजिए।
पर देखिए आपको थोड़ा सा ही सिलाई करना है, क्योंकि ऊपर का जो नेफा है वो भी मेरा ये होगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो कपड़ा है इसको इसमें इसमें ऐसे मिला के आपको सी देना है। देखिए इसमें आपको मिला के सी देना है। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से मिलाइएगा, ये उल्टा करके कपड़े को, और ये जो मेरा नीचे वाला है इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जेब वाला इसको इस तरीके से इसमें फंसा के इसमें आपको सी देना है। इसको जेब को अभी नहीं सीना है, ये जो मेरा नीचे वाला है देखिए जिसमें हमने चुन्नन भरेंगे वो वाले को हम सी दिए हैं, ये बच गया मेरा जेब। अब जेब को भी आप आपको जितना लंबाई रखना है यहाँ से देखिए पकड़ के यहाँ से आपको बस इसमें सी देना है। देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम काट देंगे। चलिए दोस्तों अब इसे हम पलट के दिखला रहे हैं। देखिए तो देखिए आपके सामने में ये हमने जेब बना दिए हैं। तो देखिए दोस्तों ये है, इस तरीके से आप इसमें जेब को आप बना सकते हैं। तो चलिए मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा, और वीडियो पूरा देखा करें। चलिए देखिए वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।